हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहराइच के दरगाह शरीफ और बहराइच सिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहराइच जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग पर बसा है, इसलिए इसकी सीमा उत्तर की ओर नेपाल से मिलती है। इसका मुख्यालय बहराइच शहर में है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर और सीतापुर बहराइच के साथ स्थानीय सीमाएं साझा करते हैं। बहराइच पड़ा, कुछ मानते हैं कि बहराइच को इसका नाम महर्षि भर के आश्रम से मिला। बहराइच सदियों से ऋषि मुनियों और भिक्षुओं की भूमि थी। बहराइच शहर के पास रसिया नामक स्थान है, जिसका अर्थ है ऋषि भूमि। बहराइच सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह के कारण प्रसिद्ध है, जो 11वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध इस्लामिक इन्वेडर था। यह दरगाह मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक समान श्रद्धा का स्थान है और इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दरगाह पर होने वाले वार्षिक उर्स में देश से दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मसूद गाजी महमूद गजनवी का भतीजा था, जो उसने 16 साल की उम्र में अपने पिता सैयद सलार साहू के साथ के मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और सत्रिक, जो बाराबंकी के नाम से जाना जाता है, पर जीत दर्ज की और सत्रिक को अपनी राजधानी बनाई। फिर 1033 ईस्वी में खुद सलार मसूद अपनी ताकत को परखने बहराइच आया। उसका विजय तब तक बढ़ता रहा जब तक उसके रास्ते में राजा सुहेल देव नहीं आए। सुहेल देव के साथ युद्ध में मसूद बुरी तरह जख्मी हुआ और वह बाद में वहीं उसी मौत हो गई और कब्र मज़ार में और बाद में दरगाह में तब्दील हो गई। और इसी तरह हज़ारों की संख्या में ज़ायरीन हर साल दरगाह पर माथा टेकने आते हैं। सुहेल देव का मंदिर बहराइच के पास ही चित्तौरा ब्लॉक में है, जहां चित्तौरा झील स्थित है। बहराइच के युद्ध पर भारत के प्रसिद्ध फिक्शन राइटर अमीश ने
सोहेल देव द बैटल ऑफ बहराइच नामक की किताब भी लिखी है। बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्य जीव विहार स्थित है। इस जंगल की सीमा बहराइच लखीमपुर व नेपाल तक फैली है और यह जंगल दुधवा नेशनल पार्क से मिल जाता है जो भारत के रिजर्व नेशनल पार्कों में से एक है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, सांभर, चीतल व अन्य दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ स्थित गिरवा नदी में डॉल्फिन, सफ़ेद मगरमच्छ, घड़ियाल व अन्य जलीय जीव पाए जाते हैं। बहराइच से 50 किलोमीटर दूर श्रावस्ती जिला है जो बहराइच से ही अलग हुआ है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 24 साल बिताए थे। यहाँ हजारों साल पुराने जैन और बौद्ध धर्म के मठों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देश विदेश से हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ हर साल तीर्थ पर आते हैं। अन्य टूरिस्ट स्थलों की बात की जाए तो संघारण मंदिर, मरीमाता मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर एवं गुल्लावीर मंदिर शामिल है। बहराइच जिले के मुख्य रेलवे स्टेशनों की बात करें तो बहराइच रेलवे स्टेशन व नानवारा जंक्शन मुख्य हैं। बहराइच रेलवे स्टेशन गोंडा नेपालगंज रेल लाइन पर स्थित है। शिक्षा की बात करें तो बहराइच जिले की साक्षरता दर 50% है। हाल ही में शहर में एक नया मेडिकल कॉलेज भी खुला है। बाकी किसान डिग्री कॉलेज, महिला पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक व अन्य स्कूल एवं कॉलेज यहाँ की शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं। अगर आपको बहराइच जिले पर हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक एवं शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही भारत के अन्य जगहों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।